जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हो अपना चैनल फेविकन। तो दोस्तों, आप सबको मालूम है कि मैं 2-2.5 साल से बुद्धिहीन हो चुका हूँ। वो सबको मेरे से आशा भी है, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे बच्चे बच्चियाँ, उनको आशा रहती है कुछ ना कुछ वहाँ से प्राप्त हो, और कुछ को शिकायत भी होती है। कुछ लोग कहते हैं आप निस्वार्थ काम करें, मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैंने कौन सा निस्वार्थ काम किया है, कौन सा मैं अपने लिए करता हूँ। जो भी मैंने हकीकत बताऊँ कि 2 साल के अंदर कम से कम 10 लाख रुपए हॉस्पिटल में मैं दे चुका हूँ, उसमें आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मुझे नशा है काम करने का। काम करने का जो नशा है कि डॉक्टर ने कहा कि आपको केमिकल से दूरी बना के रहनी है, लेकिन होता क्या है, एक जो कहते हैं ना, एक नशेड़ी आदमी होता है कि भाई चोरी छुपके कुछ ना कुछ कर लेता है, घर वाले सब देखते हैं। मैंने सारे केमिकल छत पे रख दिए हैं, फेंक दिए एक तरह के, लेकिन कहीं ना कहीं आज घर पे कोई नहीं है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, हॉस्पिटल में भी वीडियो बनाई थी मैंने। तो क्या है, एक बार क्या नींद नहीं आ रही थी मेरे को, ये 3-4 दिन पहले की बात है, रात को 3 बजे मैं उठा, मैंने स्टीम प्रेस, जो आपको शायद इस पर्दे के पीछे दिखाई देगी, ये आप देखें, इधर दिखाई दे रही होगी स्टेम प्रेस, 3 बजे मैंने प्रेस लगाई, घर के जितने भी कपड़े थे बच्चों के, रात को 3 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक मैंने सारे कपड़े प्रेस किए, और टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि होता क्या है कि जो इंसान मेरे पास, जब मैं कॉन्ट्रैक्टर था 2000 के आसपास, मेरे पास मैं वर्कर तो नहीं कहता, मेरे सहयोगी, वर्कर मैं इसलिए नहीं कहता, वो अपना काम कर रहे थे इसलिए मैं उनको वर्कर नहीं कहता, मेरे घर के परिवार के सदस्य थे, उसमें भाई भी थे, हमारी बहनें, हमारी बेटियां भी थी। तो क्या है कि जब उनको मैनेज कर सकते हैं कि टाइमिंग निकालना, क्योंकि बिजली का जो बिल होता है उसको देखते हुए हमें स्पीड से काम करना है और क्वालिटी के साथ में काम करना है, बिना क्वालिटी के अगर आप काम करेंगे तो ये पीछे देख रहे हैं, जो ये आपको कप दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे रखे हैं ऐसे जो मिले हैं, आज तक जिक्र भी नहीं किया होगा मैंने, लेकिन क्या है कि कॉन्ट्रेक्टर होता है, ठेकेदार, घर पे आराम से सोता है, GM को कमीशन दे दी, मैनेजर को कमीशन दे दी, आराम से अपने घर पे सोते रहे, लेकिन यहाँ क्या है, रात दिन गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद और कहीं भी, मान लो कॉन्ट्रेक्ट है, पूरी रात महीनों महीनों हो जाते थे घर पे आए हुए, घर के सामने से निकलना, लेकिन क्या है कि क्या कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो लोग खुद चाहते थे कि किसी तरह इनसे मिला जाए, क्योंकि सब अब दुनिया अपने हिसाब से चलती है, लेना देना, मैंने आज तक किसी को कमीशन नहीं दी और ना ली, अपने काम को बिल्कुल ईमानदारी के साथ में किया है, जिसको मैंने हेल्पर रखा, उसको स्पॉटर बनाया, उसी को मास्टर बनाया, तो हेरा फेरी कहाँ कर सकता है। तो क्या है कि कहने का मतलब कि ज़्यादा लंबा ना चल के, कपड़ा क्लीनिंग में पहला केमिकल अमाइल एसीटेट होता है, दूसरा जो केमिकल है वो होता है एसीटोन, एसीटोन है, एसीटोन की जो सूत्र है वो है CH3CO CH9,
ये रंगीन होता है, पानी की तरह होता है, बिल्कुल डालो थिनर की तरह ठंडा होता है, बिल्कुल हवा में छोड़ दो तो भाप बन के उड़ जाएगा। पानी तर के साथ में, अल्कोहल के मिश्र के साथ में ये काष्ठ भंजक होता है। तो क्या है कि ये एक तरह का, जो फिल्मों में जो ब्लास्ट दिखाते हैं, ब्लास्ट बम ब्लास्ट दिखाते हैं, वो इसी से होता है, इसी कारण होता है। तो क्या है कि इसको कांच के, यानी जो ग्लास प्लास्टिक इस टाइप के जो वस्तु होती हैं, औषधियाँ होती हैं, उनको साफ करने के काम में आता है। अति शुद्ध एसीटोन यदि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में विभिन्न पुर्जों को साफ भी करता है, सुखाता भी है, क्योंकि ये इमीजिएट उड़ जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता, ये हवा की तरह फूंक मारा उड़ गया। तो ये क्या है, एसीटोन का जो सिस्टमेटिक नाम है वो है प्रोपेनोन, PROPARONE, प्रोपेनोन है। इसका अणुसूत्र होता है CH3 2 CO। तो ये सबसे सरल कैटोनिक है। एसीटोन वापस यानी भाप से उड़ने वाला होता है, नष्ट होने वाला होता है। तो उसके कारण क्या होता है, ये धूल और हवा में मिलके हमारे फेफड़ों में जाके ये उसको एक तरह का बीमार कर सकता है, आँखों में प्रॉब्लम प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, जिसके कारण मनुष्य की पाचन क्रिया को दूषित हो जाती है। कि जो मैं मेरी जो दिक्कत हुई है ना, मेरे सूंघने की, मुझे सबसे ज़्यादा जो स्मेल होती है अमोनिया में होती है, मुझे अमोनिया की भी स्मेल नहीं आती। सूंघने की शक्ति और याद करने की शक्ति दोनों भूल चुका हूँ, लेकिन फिर भी खड़ा हूँ आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके परिवार के आशीर्वाद से, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया आज तक। काफ़ी भाई कहते हैं आपने किया वो, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है आप सब लोगों ने अपनी मेहनत की है, मैंने कुछ नहीं किया। जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बताने की, वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं, अब देखें ना देखें वो आपके ऊपर है। काफ़ी वीडियो बनाई हैं और उसमें 300 350 वीडियो हमारी ऐसी हैं जो जो डिलीट हो गई हैं। अब डिलीट होगी तो भई होगी, क्योंकि मुझे तो उसके बारे में अब नॉलेज। अच्छा, वो सबसे बड़ी बात देखो कि वीडियो डालना नहीं आता मुझे। अब अभी 5 7 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी हॉस्पिटल से, लेकिन घर पे आके जब मैं एग्जीबिशन में गया, घर पे आके वीडियो मैंने डालने की कोशिश की, नहीं आई। बच्चे हमारे आईटी कंपनी में, लेकिन मैं किसी को भी इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहता, परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन उनसे फिर भी पूछा। मैंने अपनी पोती से पूछा कि बेटे मुन्ने ये कैसे होता है, तो उसने बताया कि बाबा ये ऐसे होता है। तो ये वीडियो डाली और अब भी जो वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भूलने की जो आदत, कह कह बात तो अपना अपना तक नाम भूल जाता हूँ, फ़ोन नंबर मकान नंबर घूमता रहता हूँ गलियों में। तो क्या है, अपने टॉपिक पे आते हैं। एसीटोन अमाइल पहला केमिकल है हमारा गारमेंट क्लीनिंग का। आप डीसी करें या वॉशिंग करें किसी भी गारमेंट को, लेकिन स्पॉटिंग करना आवश्यक है। पहले स्पॉटिंग करेंगे तभी वॉश करेंगे। तो उसी तरह क्या है कि जो एसीटोन है, एसीटोन में क्या होता है कि ये वस्त्रों से, गारमेंट एक्सपोर्ट में तो इसका बहुत ज़्यादा चलन है। गारमेंट एक्सपोर्ट में क्या है कि वहाँ टाइम नहीं है आपके पास, केमिकल कितना भी महंगा हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या है कि इमीडिएट चाहिए तो चाहिए क्वालिटी, क्वालिटी के बिना वहाँ
कुछ नहीं चलता। और मैं भी ये चाहता हूँ कि आप सब भाइयों को, बच्चों को, बच्चियों को क्वालिटी के नाम से ही जाना जाए। आपके आसपास 10 दुकानें हो, किसी से द्वेष भाव ना रखें, किसी से बैर भाव ना रखें। अपने काम को पूरी मेहनत, निश्चय, ईमानदारी के साथ में करें। जायज पैसे लें, ये नहीं कि आपने अच्छा काम किया तो आप कस्टमर को काटें, क्योंकि ये जो है ना धन, धन कभी टिकाऊ नहीं होता, लेकिन ईमानदारी टिकाऊ होती है। ये परिवार को एक तरह का संस्कार देती है। मेरे जैसा अनपढ़ गंवार आदमी, जिसके बच्चे आप सब लोगों को ईश्वर की कृपा से सब सुखी संपन्न हैं, तो क्या कि मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग भी अपने काम को करें और नाम आपका क्वालिटी के नाम से जाना जाए कि हाँ वहाँ पे बहुत जल्दी अच्छी क्वालिटी का और सही रेट पे काम होता है। तो उसमें होता क्या है कि सबसे पहले इसका काम होता है इंक के दाग निकालना, यानी स्याही के, कोई भी किसी तरह की स्याही। एक आपने वीडियो देखी होगी कि मैंने हीट से निकाली थी, यानी ड्रायर से निकाली थी, प्रेस से निकाली थी। तो क्या है कि उसमें क्या कि कपड़ा और इंक, इंक बहुत तरह की होती है, वॉल पेन और काफ़ी तरह की इंक होती है। जब तक आपको पहचान नहीं होगी, जब तक आप क्या है कि आप भटकते रहेंगे, आप इसमें घुसिए, पैसे कर पैसे गिनने में नहीं, थोड़ा सा टाइम लगाइए इन चीज़ों के ऊपर भी। यूट्यूब पे अभी एक वीडियो, मैं क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन क्या कि याद आ जाती है बातें कि चांदी को कैसे क्लीन करना है। उसके लिए चाय की पत्ती में डाल लो, हमारी एक माता जी और कई भाई, उसके लिए क्या होता है पीताम्बरी का रुपहरी, ये बहुत पुरानी शीशी पड़ी मेरे पास, दो चार बूंद डालो चांदी के, जो भी हमारे जितने भी गहने हैं बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी चाय में उबाल लो, कॉफी में उबाल लो, इस टाइप के ये ओपी टोपी वाले जितने भी है ना, ये जितने भी ट्रेनिंग देने वाले हैं, अरे खुद तो सीख लो भैया, औरों को कब सिखाओगे भाई। मैं तो बुद्धिहीन हो चुका हूँ, मुझे तो नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या है कि ऐसे लोगों को एक मिनट भी मेरे सामने खड़े हो जाएं तो मैं गारंटी की बात है ये काम करना छोड़ दूंगा। क्योंकि क्या कि जुनून बहुत बड़ी चीज होती है, वो भी ईमानदारी के साथ में। डॉक्टर अच्छा होना जरूरी नहीं है, दवा अच्छी होनी जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर अंदर नहीं घुसेगा शरीर में। इंजेक्शन, टैबलेट, कैप्सूल, मेडिसिन वो शरीर में जाएगी तभी जाके फायदा करेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्त भी वो बनाए जो खुशी में बेशक आए ना आए, गम में सबसे पहले खड़ा हो। तो क्या कि इसमें सबसे पहला क्या होता है कि अपने टॉपिक आ जाते हैं, मैं टॉपिक थोड़ा भूल जाता हूँ। तो सबसे पहला इसमें इंक का है। इंक क्या है कि इसको डालोगे, डालते के साथ ही इंक है वो फैल जाएगी। उसके साथ में कोई भी डिटर्जेंट लगा लें आप, कॉटन का कपड़ा हो तो उसके साथ में स्टेनोप लगा सकते हैं, NID लगा सकते हैं, कोई शैम्पू लगा सकते हैं जो कपड़े धोने के होते हैं वो लगा सकते हैं। कच्चे कलर का कपड़ा हो तो ये है। बाकी कपड़ा अगर फास्ट कलर का है तो उसके ऊपर सर्फ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तेल के दाग, नील के दाग, गोंद के दाग यानी गम के दाग, इसे पेंट के दाग, नखून पॉलिश रिमूवर इसी को बोलते हैं। परसेंटेज उसकी कम होती है लेकिन यही होती है। प्रिंटिंग के दाग, किसी टाइप की प्रिंटिंग हो उसके दाग। तो क्या कि ऐसी टोन को किसी भी प्रकार के रंग पर प्रयोग
में लाया जा सकता है। इस रसायन को पानी और साबुन सरफ के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बिना अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो उसमें रिंकल यानी धब्बे पड़ने की संभावना बनी रहती है। तो जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे आपको इसका अनुभव भी होगा। तो क्या कि कच्चे कलर के कपड़ों को ख़राब कर सकता है। कच्ची रंगाई व छपाई पर इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी से करें। थोड़ा सा चेक करके देख लें। पिगमेंट पेंट की छपाई लोरेक्स गोटा मोती सितारे वाले ऐसे जो वस्त्र होते हैं उसके ऊपर इसको जांच लें तभी इसको यूज़ करें, अंधा ना करें। क्योंकि ये क्या कि ये गम रहित होता है, गम को निकालने की इसमें क्षमता है। तो मोती सितारे या इस टाइप का होगा या इस पे प्लास्टिक पेंट वगैरह होगा उसको निकाल सकता है। तो उसके लिए आप पहले इसको जांच लें, परख लें, उस जगह को छोड़ के आगे स्टेन वगैरह हो उसे निकालें और उसके विषय में बताएंगे। क्योंकि विषय बहुत बड़ा है और क्या है कि आप सब लोगों की दुआ से मैं कितना भी बुद्धिहीन हो चुका हूँ लेकिन फिर भी क्या है कि कुछ ना कुछ आपके चरणों में मैं कुछ ना कुछ अर्पित करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं किसी जाति पंथ मजहब किसी को नहीं मानता। सबसे पहला मानवता, मानवता सबसे पहले है और मानवता में भी वो कि जो ईमानदार इंसान है। तो क्या है कि दोस्तों और बाकी एसीटोन को चमड़े रैक्सिन आदि के जो बने गारमेंट्स होते हैं यानी उत्पादित वस्तु हैं उस पर प्रयोग बिल्कुल ना करें। वो शत प्रतिशत क्षतिग्रस्त हो सकते हैं यानी खुरदरे हो जाएंगे वहाँ से। एक तरह कहते हैं ना जैसे घिस जाता है वो है। तो क्या मनुष्य के संपर्क में आ जाए, अगर मान लो हमारे कहीं शरीर में गिर गया तो उसको साबुन से अच्छी तरह धो लें। आँखों में गिर गए तो बार बार आँखों को धोएं। शरीर के किसी भी भाग पे गिर जाए तो साबुन से धोने के बाद में और मुंह में चला जाए तो बार बार कुल्ला करें। और गलती से क्योंकि तो पानी जैसा ही होता है, पानी समझ के अगर मान लो पी लिया तो उसको ज़्यादा पानी पिला के उसको उल्टी करवाएं और ज़्यादा दिक्कत होने पे उसके कपड़े उतार के खुली हवा में ज़्यादा हवा में उसको लिटाएं। और ज़्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए MSDS का प्रयोग करें यानी उसमें MSDS देखें। तो दोस्तों विषय हमारा यूं ही निरंतर चलता रहेगा। आप बने रहें, जुड़े रहें। मैं आपसे ये नहीं कहता आप लाइक करें ना करें क्योंकि सब आपके लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है, ये सब आपका है। ये आप लाइक करेंगे नहीं करेंगे ये सब आपके लिए है। क्योंकि मैं आज हूँ कल नहीं हूँ कि ये तो ऊपर वाले के वो है कि आप सबके कारण मैं अभी रात को ये घड़ी में देख रहे हैं 1:10 होने वाले हैं। लेकिन क्या है कि घर पे आज कोई नहीं है और मैं आज़ाद हूँ और 15 अगस्त को आज़ादी है ही। तो कहने का मतलब ये है कि नए नए विषयों के ऊपर जो गारमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, क्वालिटी को पकड़ के चलें, क्वालिटी से टस मस ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं नए विषय पे ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।